बिग बॉस 17 को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। ये शो 15 अक्टूबर को शुरू हुआ था और सिर्फ एक दिन में ही फैंस कंटेस्टेंट से काफी इम्प्रेस हो गए थे। इस सीजन का पहला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बिग बॉस के बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसमें जो कंटेस्टेंट नजर आए हैं उनको बिग बॉस के घर में रहने के लिए कितनी फीस मिल रही है और सबसे ज्यादा हाई फीस चार्जेस किसके हैं। जी हाँ, बिग बॉस के कंटेस्टेंट लाखों में फीस ले रहे हैं। घर में रहने के लिए ये कंटेस्टेंट पर वीक के हिसाब से फीस चार्ज कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कितने लाख रुपए चार्ज कर रहा है। इस लिस्ट में पहला नाम है अभिषेक कुमार का। जी हाँ, अभिषेक फिलहाल घर में अपने झगड़ों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे में अभिषेक पर वीक के लिए 5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। जिग्ना वोहरा। जिग्ना भी बिग बॉस में नजर आ रही हैं। उनको इस शो के लिए पर वीक 7.5 लाख रुपए दिया जा रहा है। ईशा मालवीय। उड़ारिया फेम एक्ट्रेस ईशा मालवीय भी बिग बॉस में अपनी अदाओं से बिजली गिराने आ चुकी हैं। ऐसे में ईशा को हर हफ्ते के लिए करीब 7.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। नील भट्ट। नील भट्ट को भी बिग बॉस में एंट्री मिली है और नील बिग बॉस के घर में कैद होने के लिए हर हफ्ते के लिए 7 से 8 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। मुन्नावर फारूकी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नावर पहले लॉकअप में नजर आए थे, अब बिग बॉस में छाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुन्नावर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं और वो सबको कड़ी टक्कर देने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने मोटी फीस भी चार्ज की है। फारूकी हर वीक के लिए 7 से 8 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। मांडरा चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की बहन मांडरा चोपड़ा भी बिग बॉस 17 में नजर आई हैं। ऐसे में मांडरा को हर हफ्ते के लिए 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। ऐश्वर्या शर्मा। गुम है किसी के प्यार में फेम एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा भी सलमान के घर में एंट्री कर चुकी हैं। ऐसे में ऐश्वर्या बिग बॉस में ड्रामा करने के लिए लाखों में पेमेंट ले रही हैं। जी हाँ, ऐश्वर्या हर वीक के लिए 11 से 12 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं। अंकिता लोखंडे। रिपोर्ट्स के अनुसार अंकिता लोखंडे हर हफ्ते के लिए 12 लाख रुपए की फीस ले रही हैं। यानी कि अंकिता जितने दिन तक शो में उद्यम मचाएंगी तब तक उनको हर हफ्ते पैसे मिलते रहेंगे। वेल, अब आप बताइए बिग बॉस 17 में इस बार आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और किसको आप जीतते हुए देखना चाहते हैं? किसके हाथ में बिग बॉस की ट्रॉफी देखना चाहते हैं? बताइए उस कंटेस्टेंट का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में।